Hey, what's up guys? This is the second day of our in Kashmir. So, आज हमारा रूट है सोनमर्ग सॉरी तो आज हमारा रूट है यहाँ से अभी हम सीधा कहाँ जाने वाले हैं सोनमर्ग हाँ बालटाल तक जाने वाले हैं जिसमें कि बीच में सोनमर्ग पड़ेगा तो वहाँ हमारा स्टे है टू आज का तो मिलते हैं वहीं पे लेट्स गो इट तो अभी हम लोग बस में बैठे हुए थे तो अभी हम लोग बालटाल के लिए और जा रहे हैं और बालटाल के बीच में हम सोनमर्ग में अपना वो रखेंगे स्टॉप रखेंगे बाकी अभी हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह करने उतरे हैं तो यार यहाँ पे जो सीन है ये देखो यार आप दिल खुश ना हो यार नाम बदल ये देखो पूरा ग्लेशियर वाटर आ रहा है इतना कूल वाटर है इतना कूल्ड वाटर है छू भी नहीं सकते इतना मतलब और ये देखो ये यहाँ पे अभी हम लोग रुके हुए हैं बालटाल हम लोग पहुँच चुके हैं तो बालटाल के बीच में चेकिंग होती है कि आप लोग अमरनाथ जा रहे हो तो अपना पास दिखाओ ये वहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं हम लोग की पूरी हो चुकी है बस सब चेक वेक हो चुका है पास वास सब चेक हो चुके हैं बस अब हम लोग ऊपर बालटाल जाएंगे ये तो यहाँ पे चेकिंग होती है मतलब जिसके पास पास नहीं होता उसको इधर से आगे एंट्री नहीं होती क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब अपन विदाउट पास के जाते हैं पर उनको एंट्री नहीं देती क्योंकि कुछ मतलब नहीं होता वो लोग उल्टी सीधी हरकतों के लिए जाते हैं ऊपर तो इसलिए सबको एंट्री नहीं देती जिनके पास पास होता है उन्हें एंट्री देते हैं बस तो और आगे देखते हैं मुझे इतना नॉलेज नहीं है अब आगे आगे ऐसे देख रहे हैं वैसे वैसे पता चल रहा है हर चीज़ बाकी अब ज़्यादा शूट नहीं कर सकते इधर आर्मी एरिया है तो उन्होंने मना करके रखा है कि मतलब इतना ज़्यादा शूट नहीं कर सकते आप यहाँ पे तो अपन आगे शूट करेंगे अभी यहाँ रोक दे रहे हैं शूट तो गाइस फाइनली हम लोग बालटाल की एंट्रेंस है उधर पार्किंग पे पहुँच चुके हैं यहाँ पे पूरा कम से कम 1 लाख गाड़ियाँ खड़ी होंगी मतलब एकदम अपन ऊपर से देखो ना तो ऐसा लगता है कि पूरी छत है मतलब एकदम ऐसी एकदम इतने इतने से गैप में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं अभी हमारा थोड़ा सा दूसरी गाड़ी में लगेज रखा था हम वहाँ पे लगेज उठाने जा रहे हैं हम लोग अंदर आ गए हैं यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जा रहे हैं मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है कि जो अपन सामान ला रहे हैं उसकी चेकिंग कि आप कुछ अनयूज चीज़ तो नहीं रखे जो कि यहाँ पे अलाउड नहीं है चलो तो करते हैं बाद में तो हम लोग यहाँ पे पूरी चेकिंग हो चुकी है सिक्योरिटी चेकिंग होती है कुछ बैग्स में कि आप कुछ लेके तो नहीं आ रहे तो सब हो चुका है यहाँ पे होती है पीछे ये पूरी पीछे और बालों की ऐसी हालत हो रखी है बहुत डस्टिंग है यहाँ पे इतनी डस्टिंग है कि हद से ज़्यादा बट ऐसे सीन्स है कि यार कौन नहीं आना चाहेगा और अमरनाथ तो अपनी भाई शिव जी से मिलने की किसकी तमन्ना नहीं है अम्बाम बोले बस तो बस अब तो अमरनाथ 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 की यात्रा है बस एक एक गोल सही में भाई इधर आके ना दिल खुश हो जाता है एक भगवान से पूरी मिलने की तमन्ना है पूरी एक तीर्थ हो गया 17 ईयर्स में क्या चाहिए आदमी तरस जाते हैं अमरनाथ यात्रा आने के लिए भाई हम लोग कर रहे हैं 17 मैं तो 17 की एज में मतलब बहुत कम लोग करते हैं इस एज में मैं तो कर रहा हूँ अभी बाकी ये पीछे शायद वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है तो आगे और दिखाएंगे बहुत सारे सीन से चलो तो अभी ये सामान वगैरह हम लोग अपने टेंट पर रख जमा देते हैं हम लोग ने टेंट बुक करें तो सामान जमाने के बाद आपसे मिलते हैं वापस तो ये यहाँ पे ऐसे टेंट लगे हुए हैं ये सब रेंट पे मिलता है अभी रेंट इनसे पूछते हैं कि कितना क्या लगता है पूरी आर्मी ये पूरी यहाँ की मार्केट है ये पूरे ये लंगर लगे हैं फ्री लंगर मतलब हर एक चीज़ 24 घंटे पूरे फ्री लंगर चलते हैं ये सब यात्री ऊपर आ रहे हैं हमारे आर्मी पर्सन
प्यारा शिव शक्ति। मतलब यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब जितना अपन सुनते हैं ना कि ये वो। हाँ, कई लोग ख़राब मिलते हैं जो कि बहुत बहलाते हैं, बट बहुत लोग इतने अच्छे हैं कि क्या बताएं। ये लंगर है, ये सीन, मतलब यार सीन का ही रोल है यहाँ सब कुछ, मतलब कुछ है नहीं, नेचुरल ब्यूटी है जो कि अपन को अपने शहर में तो कहीं से कहीं नहीं मिल रही। शंकर जी की भूमि में चल रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या ही अच्छी बात है ना। ये देखो श्री मंगल गौरी अमरनाथ नीति लुधियाना, ये लुधियाना से लंगर है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लंगर चलता है, जितना खा सको आप, जितनी आपकी औकात उतना खाओ। क्या चाहिए बताओ इसके अलावा, यहीं बाल टाल, यहीं इधर के लोकल भंडार हैं, और ये पूरी कपड़ों की शॉप्स लगी हुई हैं। हमारे शायद हमारे लोग जो आए हैं हमारे साथ वो आगे खड़े हुए हैं, हम लोग भी जो टेंट देखने गए थे तो हम लोग ने टेंट ले लिए हैं। यहाँ के टेंट 100 रुपीज़ से चालू हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल टेंट 100 रुपीज़ से चालू हो जाते हैं, एक व्यवस्था होती है यार, सुकून है कहीं, मतलब हवा इतनी तेज़ ठंडी चल रही है और धूप बहुत तेज है, तो ये ठंडी हवा सुकून है बहुत इस हवा में यार, मतलब चार चार पांच 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 हेलीकॉप्टर एक साथ जा रहे हैं ना, तो ये सीन्स अभी तक फिल्म्स में देखे थे, अब रियलिटी में देख रहे हैं। आनंदी आनंद, आनंदी आनंद। अपन जब एयरपोर्ट्स, मतलब अपन जब आते हैं ना ऊपर प्लेन से, तो पूरी एकदम चादर एकदम ऐसी शाइन देती है, ऐसी शाइनिंग। मैं कुछ क्लिप्स डालूंगा जब मैं एयरप्लेन से कश्मीर में लैंड हो रहा था, तो मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं। है दिल जीत लिया भाई, मुझे नहीं पता आप लोगों को अच्छी लगे नहीं लगे, बट आंसू क्यों आ रहे हैं, मेरा तो भाई यहीं मन लग गया, मेरे को लग रहा है यहीं घर वर ले के फ्री हो जाओ, सेवा करो भगवान की। बाकी नहीं, अपन यहाँ नहीं रुकेगा, अपन को बहुत कुछ करना है लाइफ में, अपन फिर आएगा, अपन आता रहेगा, रुकने का नहीं। तो ये देखो यहाँ पे हमारे लोग खड़े हुए हैं, ये सब लोग, अब हम लोग पूरा लगेज लेके उधर बहुत दूर तक जाना है, बहुत दूर तक, एकदम लास्ट एंड तक, तो वहाँ तक जाएंगे तो आपको देते रहेंगे, बहुत थक चुके हैं, अब आगे शूट कर लें, इसके आगे के शॉट लेते हैं। सब जन हर हर महादेव बोलते चलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो तो अब हम लोग यहाँ पे सब सेट हो चुके हैं, टेंट वगैरह पूरे ले लिए हैं, टेंट वगैरह यहाँ पे पूरा सेट हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं कि वहाँ पे बर्फ दिख रही है, देखते हैं वहाँ जाने मिलता है कि नहीं। बाकी अंकल तो मना कर रहे थे कि कैंप एरिया सबको जाने नहीं मिलता, तब भी आपको पता है अपन इंडियंस हैं, जहाँ मना करते हैं वहीं घुसते हैं। अरे मेजर की तो बता दो बेचारा कहाँ से गिरा, इस पहाड़ की एक कहानी है, इस पहाड़ में कैप्टन मेजर लद्दाख से, मतलब लद्दाख रोड गई है, वो यहीं से लद्दाख रोड गई है, तो इस कैप्टन मेजर, क्या नाम था, कैप्टन मौर्य, कैप्टन मौर्य जा रहे थे, तो इस पहाड़ से वो कैप्टन मौर्य गिर गए, तो इस पहाड़ का नाम पता है क्या रख दिया, मौर्य पहाड़। तो हमारा ऐसा सोचना है कि जैसे कि अब अमरनाथ में अगर हम थक गए, हम वहाँ से छलांग लगा देंगे उस वाली पहाड़ से, तो ये नाम हो जाएगा कैप्टन कृष्णा। क्या बोलते, सही तो है यार, अगर जिंदगी में कुछ नहीं होगा कम से कम पहाड़ नाम करके तो मरे, नाम करके जाएंगे यार, तो वही नहीं फिर अपन के, वही फिर अपन के नाम सुनेंगे तो। बताओ हेलीकॉप्टर देखने तरसता था यहाँ, नहीं है सोच रहे की इस पहाड़ खरीद लिया जाए, बट एक बार फिर अपनी आईने में शक्ल देखते तो ऐसा लगता है की खुद को तो खरीद नहीं पा रहे, जब से पहाड़ को क्या खरीदेंगे। बाकी
यार, मतलब यहाँ की एकदम कूल वाइब्स आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार ये है दुनिया, कहाँ जी रहे हैं, कौन सी मोहमाया में, कौन सी बाजार में घुसे घुसे बैठे हैं। शक्कर दे दो भैया, ये दे दो भैया शक्कर पर यार यहाँ पे जो रियल नेचर प्लस लाइफ यार, मतलब ऐसा सीन जिंदगी में मैंने अभी तक तो मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा कि पहाड़ ऊपर है और स्काई नीचे। मतलब अभी तक सिर्फ देख रहे थे अपन, बट आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ये सही में है यार, अलग ही सीन है। देखो अब यहाँ का तो सब घूम लिया, इतना सुन रहे हैं लंगर तो चलो लंगर भी टेस्ट करते हैं कि क्या लंगर है भाई। यहाँ कहते हैं कि मतलब अनलिमिटेड लंगर है, जितने तो आदमी नहीं उससे ज़्यादा लंगर हो जाते हैं यहाँ पे। देखते हैं यार कोई इतनी अगर अपन को फ्री सुविधा दे रहा है तो यार थैंक यू टू देम। मतलब इतनी दूर आके कुछ लंगर लगाना इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल भाई साहब। अपन बुजुर्गों जैसे धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, बुजुर्ग आगे आगे चले गए। अब सबने शिलाजीत ले लेके खाई है ना अब वो नेहरू जी का जवानी का पानी पी गया है वही अब अन्य बस पेड हो गए थे। असर तो पड़ता है, असर तो पड़ता है भाई साहब। तो ये हमारी शायद किसी त्रिनेम सेवक समिति 24th विशाल भंडारा आए है, मतलब 24 साल से यहाँ भंडारा हो रहा है। चेकआउट करते हैं यहाँ पे। वाह यार यहाँ इतनी दूर किसी चीज को डेकोरेशन करना इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो गाइस अब कितना टाइम हो गया है, साढ़े छः हो चुका है। अभी हम लोग ने बढ़िया 2 घंटे सोए क्योंकि हम लोग सुबह 5:30 पे उठ गए थे, तो बढ़िया अब 2 घंटे। हाँ अब कल सुबह मॉर्निंग में फिर 3 बजे उठना है क्योंकि हम लोग का 3 बजे यहाँ से यात्रा चालू हो जाएगी। तो बढ़िया 2 घंटे का रेस्ट ले लिया, अब एकदम एक्टिव हो चुके हैं। अब हम आपको झील के कुछ शॉट्स दिखाएंगे, मतलब जो अमरनाथ से यहाँ यात्रा चालू होती है ना इस वाली रोड से, बस यहाँ से अमरनाथ यात्रा चालू होती है ना जहाँ से जस्ट इसके ही बाजू एक झील बहती है बहुत प्यारी, इतनी कोल्ड है वो। कौन सी झील बोलते उसको? सिंड रिवर देखते हैं तो चलो भाई। इंडस रिवर ओए यार तुम्हें बड़े लिखे हैं है? हम स्कूल का नाम नहीं ओपन करेंगे एक्चुअली। बहुत महंगी स्कूल में पढ़ते थे, बहुत महंगी स्कूल में पढ़ते थे भाई साहब। अब इधर इस वाली में घुसना है, उस वाली में। अब यार एक तो रास्ता शॉर्टकट नहीं मारो यार, शॉर्टकट बहुत भारी पड़ता है, तब भी ट्राई मारते हैं। चलो मार ले, बोला 7 ऑफ क्लॉक पे खुली रहेगी भाई रास्ता, पूरी बता देखते हैं भाई। अरे फैंस हरियाणी है यार फैंस, अरे फिर गोल घूमना पड़ेगा गाइस। हम लोग 2-4 बार ऐसे फंस चुके हैं, ये देखो कहीं भी घुसेड़ देता है। शॉर्टकट कर करके शॉर्टकट हर जगह है लेकिन निकल। मैं इसको बोल रहा हूँ शॉर्टकट भारी पड़ रहा है मत घुस भाई, मानते ही नहीं है। मैंने कुछ नहीं बोला। जेसीबी आ रही है इधर, एम्बुलेंस ठोक रही जेसीबी। अरे एक आपको एक बहुत सही बता रहे हैं क्या, तुम सुनाओ यार। अरे इधर पे एम्बुलेंस घूमती है सुरक्षा के लिए, कोई को कुछ हो ना जाए। उनने लिटरली 30 की स्पीड पे अंकल के कंधे को ठोकते हुए हाँ। और फिर उसी में बैठा के 2-4 बार जा चुकी कोई था ही नहीं बंदा, मतलब एम्बुलेंस 3-4 दिन से फ्री चल रही थी, उनने एक बंदे को मार दी और उसको ही उठा के ले गया। मतलब यार गजब कहानी है, 3 आर्मी वाले जानबूझ के नहीं मारी, गलती से लग गई, पर एम्बुलेंस ही आदमी को मार के उठा के ले जा। ये क्या सीन है, कोई इंजर्ड नहीं हो रहा तो किसी को इंजर्ड करके ले जाओ, इंजेक्शन को सेड़ दो, ये गजब है। कैप्टन मौर्य के साथ भी तो नहीं हुआ ऐसा कुछ, बाकी यहाँ आर्मी फोर्स लगी है, देखते हैं लोग शूट करने देते कि नहीं। सीआरपी बाकी हाँ करने तो देंगे बट पर चलो देखते हैं। इधर से यात्रा से कोई नहीं होती है यहाँ से। हाँ भाई गलत नहीं, अपन
सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। भगवान भरोसे लो फैन से। हाँ कहाँ उतरना, चलो उतर तो रहे इधर से। हाँ चलो भाई लिटरली नीचे तो आ चुके हैं, बाकी अब आगे देखते हैं। अंकल झील कहाँ, झील कहाँ से जाएंगे? झील वही जा सकते हैं, जाने देंगे, जाने देंगे, आप जाने देंगे फिर वापस आ सकते। थैंक यू अंकल, थैंक यू। चलो हेल्पफुल लोग हैं। हाँ हेल्पफुल लोग हैं। ये देखो भाई अपन तो इधर ही पे चल। जय हिंद अंकल, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आर्मी बहुत फ्रेंडली है, बहुत हेल्पफुल है। तीन चार तो अपनी स्टेट के निकले भाई। ये रास्ता देखो भाई, वो जा रही थी ट्रैकिंग शूज के बिना तो आप आ ही नहीं सकते। मैं अभी एक्चुअली नॉर्मल शूज पहना हूँ, कैजुअल। एक कुछ घुस गया यार, बहुत हार्ड हो रहा है वो। नदी में करो सही आप। मैं ट्रैकिंग शूज लूंगा। लड़को यार, मैं यहाँ से लुड़कूंगा। लड़को जल्दी पहुँचेंगे, शॉर्टकट देखते हैं बाकी। फिर बात अलग है, फिर एम्बुलेंस छोड़ने आएगी। एम्बुलेंस का कुछ तो यूज होगा, पढ़े से यूज नहीं कराना है हमें, अपने आप को यूज नहीं कराना। यात्रा चढ़नी है, शुभ शुभ बोलो। अपन लोग गलत एरिया ना घुस जाए। और यार ये पता नहीं कौन कौन से एरिया से आ रहे हैं यात्रा के एरिया में, क्योंकि एक जगह से घुसते हो घूम के निकलना पड़ता है। पता नहीं अब रिटर्न होते भाई, देखते हैं बाकी क्या ही होता है। ब्रिज के डर से चलेंगे ऐसे, नदी नदी चलो, नदी चलो, डर से कूद लो। देखो धीरे चलो भाई, पता नहीं कितनी जल्दी मचड़ी है। खतरों के खिलाड़ी बनना है, हम तो कैमरा पकड़े हैं, देखते हैं। पार्कोर किया हमने 3 महीने का कोर्स, जैसा बहुत मुंह तोड़ा है हमने। चलो ये पता नहीं कहाँ से आ गए हम भैया, कहीं CRP को रोक ना लें, देखते हैं भाई। चलो हाँ इधर पे ऊपर जहाँ यात्रा होती है, हाँ यहाँ पे इनको जो सस्पिशियस लगा सीधे शूट। हाँ ये पता है मेरे को, FIR भी नहीं सीधे शूट। हाँ यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं, कुछ ऊपर वो लगता है ना कि कोई मिसबिहेवियर, कुछ उल्टा सीधा कुछ हरकत हो रही है, वो सब ये लोग, कोई FIR नहीं हो कुछ नहीं, डायरेक्ट शूट कर देते हैं। स्नाइपर सर फरार पे और हर जगह बैठे हैं, उनसे आप कुछ उनसे कुछ बहस नहीं कर सकते, पबजी हो जाएगी बिल्कुल। और ये पता है आर्मी वाले उकसाते हैं, उनको पता है इंडियन भिड़ेंगे नहीं, जो बाहर के हैं वो भिड़ेंगे। हाँ तो सीधे जो लगा गए, इन्हें बहसबाजी करना 1% पसंद नहीं है। जहाँ इनसे ज़्यादा आपने कुछ बोला दे विल शूट यू। भैया चढ़े पहाड़ पर, अब ये कह रहे हैं यहाँ पहाड़ पे कैसे चढ़ें, क्योंकि जाना तो उसी तरह से। चलो दादा का इंटरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दादा, तो अभी आपको क्या कैसा सीन लग रहा है यहाँ पे, अमरनाथ यात्रा चल रही है तो बहुत कितनी अच्छा। कैसी जनता, बहुत अच्छा लगता है। अभी आज सेकंड डे है, तो सेकंड डे में मतलब आपको क्या कैसी भीड़ यहाँ पे समझ आ रही की, अभी अभी इससे और बढ़ेगी कि इतना ही भीड़ रहेगी, इतनी रहेगी भीड़। तापमान यहाँ पे जो CRPA कुछ मिसबिहेव तो नहीं करती किसी के साथ, क्योंकि अभी तक तो हमें बहुत हेल्पफुल लगा उनका। अच्छा जो झील का पानी है ये कहाँ तक अपना जाता है? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये वाली पाकिस्तान में खुलती है ना? नहीं वो आगे वाली, आगे उस साइड में जाती है, उस साइड वाली झील, वो साइड में जाती है। अब ये झील देखनी है तो कैसे जाएं हम लोग, इस पे चढ़ सकते हैं? आप सीधे निकल जाओ उधर से, सीधे यहां से चढ़ जाओ उधर, चढ़ जा रहे हैं शॉर्ट पर। चलो थैंक यू सो मच दादा, ये दादा की चार टेंट है। तो चलो गाइस अपन आगे चलते हैं, आओ ऐसे चलते हैं। अरे चढ़ जा रहे हैं टाइम ऐसे ही कम सालों, एक बात गेट पर चढ़ जाते हैं अपन, क्योंकि 7 o'clock तक खुला है और कुछ शॉर्ट्स लेने हैं। ये देखो ये तो चढ़ गए, हम तो कैमरा लिए हैं और तो टाइटैनिक उतरे उधर यार, तो चढ़ने के बाद उतरने का सीन भी है। और क्या लगा, उतरो उतरो उतरो, इतनी दूर क्यों आए? देखो भैया भी ला रहे हैं, देखते हैं
हाँ भैया मेरे बोला न्यूज़ चल रही है। हाँ ये ब्लॉग डलेगा यूट्यूब पे। यूट्यूब पे चलेगा? हाँ नहीं नहीं इधर क्या यूट्यूब तो लाखों जनता देखेगी। लाखों जनता चलो अभी तो दो सब्सक्राइबर नहीं है लाखों लोगों को कह दिया मैंने। तो क्यों यहाँ से उतरने का क्या कुछ मानते नहीं होगा? मेरे को तो कोई दिख तो रहा नहीं है उतरा हुआ। आप नहीं उतर रहे हैं पहले बंदे देख लो भैया अलाउड भी है कि नहीं। चढ़ लेंगे हम तो चढ़ लेंगे चढ़ लेंगे। ड्रैगन शूज पहना था हॉकी शूज। चलो पहले ये उतरता है तुम उतरो मैं बैग फेंकूंगा अपना तो पकड़ना। ओ शिट मैन डाल लो जेब में उतरो। गाड़ी टूट गई यार विदुषी सॉरी तुम्हारी गिफ्टेड गाड़ी टूट गई यार इतनी अच्छी। अरे इसको तो पकड़ो भाई साहब देखता रहो लो। चलो भाई देखते हैं कि हम उतर भी पा रहे हैं कि नहीं भाई साहब। शहीद हो जाए ठंडा बहुत है यार। ओ भाई साहब हाय हाय ये चीज है कुछ यार क्यों यार भाई सब कंप्लीट हो चुके हैं बट यार एक हिट ही हो गई बहुत लंबी वाली। अब क्या बताएं इधर से आए थे यार इतनी ऊपर दूर से बहुत इसके ऊपर हाईएस्ट से नीचे आए शॉर्ट्स के चक्कर में सिर्फ 10 मिनट्स लेट हो गए और अब कहते हैं कि सॉरी सर आपको फर्स्ट नंबर गेट से आना पड़ेगा। यू पार्किंग से घूम के बिल्कुल 7 किलोमीटर हम लोग सामान चढ़ाने भी थक गए तो उधर जाना होगा यार पैसे है नहीं टैक्सी नहीं कर सकते कोई ऑनलाइन लेता नहीं नेट चलता नहीं है। यहाँ पे शिव शक्ति सेवा कुछ दिख रहा है चलना है क्या शिव शक्ति सेवा में क्या करवाए सेवा है? देखते हैं चलो हो सकता पावर आवर आ जाए कुछ खा पी ले तो। हर महादेव हर महादेव आ इधर आओ भाई साहब शिव शक्ति सेवा ये लोग दिल्ली वाले लोग लगाते हैं तो कुछ लेना है चलो तो वैसे इतने लंगर खा चुके हैं पेट भर गए हो यार वही ट्रिप पे यहाँ 2 मिनट्स पे लंगर है ट्रिप्स पे थोड़ा थोड़ा खा लें बार बार वो सब छोड़ो 7 मिनट अरे यार भाई 7 किलोमीटर चलेंगे कैसे भैया 7 बजे 5 मिनट बचे अब हमें लग रहा है। अरे यार सोनमार्ग तो बंद नहीं था ये मार्ग अभी बंद ही कर देंगे। चलो गाइस अब हम लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं घोड़े तो दौड़ी रहा जो इनको ही देखते हैं एक हाथ के पीछे लगते हैं आपको इसके आगे के शूट्स बताते हैं अभी जा रहे हैं ठीक है बाय बाय। ब्रो वो लगा लंगर आप चलो इसी रोड से। ओ शिट मैन आप वहां जाना है क्या कहाँ चढ़ गए यार फालतू में यार वहां से आए है। जहां वो झील अगर दिख रही हो उधर से वो वाली लाइट जल्दी जस्ट और ये पता नहीं कहां वहां आ गए ये इतनी हाईएस्ट पर हम लोग बस आई गए। अगर आपको घूमना हम लोग से पूछना रास्ता ऐसे कहीं भी नहीं निकलना हम लोग को गलियां लगी है सही में यार गाइस कहाँ आ गए वापस उतरना पड़ेगा। चलो यार
हमें लग रहा था इधर होगा, वो उधर दिख रहा अपना वो। तो मैं लग कह रहा है वो बाथरूम बनी, वो वहीं से ऐसे बाथरूम से मैं जिन करता चीज है। हमने देखा यार वो झंडे तो लगे। अरे यार गाइस अपन ऊपर के चढ़े, वही रास्ता थी आधी यात्रा तो यहीं हो गई। आपने क्या सर्च वारंट तो नहीं लगा लिया हुआ? मिसिंग कंप्लेंट अनाउंसमेंट, मेरे को आवाज तो दे रहा था कुछ। कृष्णा के शर्मानी से तिवारी शहीद दो ये पागल बच्चे घूम गए। कोई नहीं, बट एंजॉय बहुत किया हम लोगों ने। शूट मत दे, जो लोग नहीं आए ना हमारे साथ उन लोगों ने सही में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिस करी। लिटरली इट इज वर्थ इट। अरे अभी कहाँ था कि अपन ने नेहरू जी का पानी पिया है भाई। वही अरे वाह ये आ गई। नर्स ही तो चले थे। रमेश बाड़े अरे यार मेन गेट पे ही आने गेट पे किंग चले पर रहे थे साला फार्ट मैन। ये बोलते बिना बिना बुद्धि वाले लोग हम ही लोग हैं। हम लोग भांग भांग लिए ना थोड़ी सी स्लो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चल रहा है प्रोसेसर। बाल कड़क हो गए आपके भी यार। इधर तो बाल नहीं, पता नहीं कैसे हो गए। छू ही नहीं रहे हम तो। हमें लग ही नहीं हमारे बाल, हमें लग रहा हम दूसरे के बाल छू रहे। ये देखो हम दो यार। अब मैं एकदम पब्लिक फ्रेंडली हो गया, कुछ है ही नहीं फेयर की कोई क्या देखेगा है ना। वही काले तो है अभी शिमला से, इधर से अपन वापस दिल्ली जाएंगे लाल पड़ जाएंगे। नहीं हम ये कह रहे हैं अब अपन एकदम पब्लिक फ्रेंडली हो गए, अब लग ही नहीं रहेगी कोई क्या सोचेगा क्या देखेगा। हाँ हम लोग ने अभी वापस ही कर लिया। बिल्कुल इंटरव्यू ने जिंदगी में पहली बार दिया, पहली बार इंटरव्यू दिया। बट यार अच्छे अच्छे पर्सन थे वो, मजा आ गया उनका इंटरव्यू लेके। अभी तो बैठ लगा लो, किसी से भी बात कर लेना लोकल पर्सन से, सब बताएंगे। या कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं। हमारा ड्राइवर भैया इतना मतलब इतनी देता था, वो इतनी फेंकता था ड्राइवर की। तो भैया बात ही नहीं, माया ही अलग थी। उसने मेरे को दिखाया अच्छे भाई कम से कम 4 फ्लोर के बंगले। हम ब्लॉग में डालेंगे उसकी फोटो। हमने वीडियो, अरे उसकी वीडियो थी मेरे पास जब वो फोन दिखा रहा। वही कितना मैंने 18 रूम बना के रखे अपने घर पे, खुद गाड़ी मॉडिफाई की, खुद गाड़ी मॉडिफाई करी, वो भी मर्सिडीज। मर्सिडीज उसकी, मर्सिडीज की ट्रैवलर थी सब ठीक है, मर्सिडीज की ट्रैवलर। ओके तो हम लोग 1-1 लाख वाले कारपेट बिछाते हैं। मैंने कहा अच्छा बाबा ओके। ये और उसकी हे भगवान। अरे पहले हम कहानी खत्म करेंगे, अभी उसके हम क्लिप डालेंगे। अच्छा वो देखना मिल गया। हेलो गाइस।